नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वशिष्ठ ब्लॉग्स में। साथियों, एक नए यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी और अहम बात क्या होती है, वो यह है कि सबसे पहले एक नए यूट्यूबर को चाहिए एक ट्राइपॉड और एक छोटा सा माइक। साथियों, अभी जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो आपको कुछ अटपटी सी लग रही होगी और आवाज़ में एक क्लियरिटी जो होनी चाहिए, एक जो नए यूट्यूबर हैं उनको भी इस आवाज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको सबसे पहले और सबसे पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो ये है कि एक माइक होना चाहिए, वो चाहे किसी भी क्वालिटी का हो। अब एक नया यूट्यूबर है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये माइक मंगाया है जो बहुत सस्ता है। अभी मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। ये रिव्यू चैनल तो नहीं है, लेकिन एक नए यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ी चीज़ और अहम चीज़ होती है एक उसका माइक। ये अभी आया है पैकिंग में और छोटी सी पैकिंग है, बहुत सस्ता है। अभी मेरी आवाज़ की क्वालिटी आपको कुछ अलग लग रही होगी, लेकिन जैसे ही इस माइक को मैं यूज़ करूँगा, हालांकि मेरे पास पहले से भी एक माइक है जो ये है, तो इसकी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने ये नया माइक। तो दोस्तों, इसके अंदर है ये माइक, पैकिंग अच्छी है और बेहद सस्ता भी है, तो इसको खाते हैं। ये माइक है साथियों, अभी इसको हम ओपन करेंगे और देखेंगे किस तरह की क्वालिटी है और साउंड में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। वाह, तो अभी हमारे पास हो चुके हैं दो माइक। ये मेरा पुराना माइक है, ये ख़राब हो चुका है और ये मैंने अभी मंगाया है। ये क्या है इसकी धमकी। तो दोस्तों, अभी जो मेरी आवाज़ की क्वालिटी आप सुन रहे हैं ये है मेरे नए माइक की, और जो है बहुत सस्ता, इसे मैंने फ्लिपकार्ट से। तो साथियों, देखा आपने किस तरह से एक नए यूट्यूबर के लिए ये छोटे छोटे गैजेट्स कितना अहम रोल निभाते हैं हमारी नॉइस रिडक्शन को करने के लिए और हमारी आवाज़ को और साफ़ करने के लिए। और एक नया यूट्यूबर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता है, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा ये छोटे छोटे गैजेट्स जो हैं। जैसे ये माइक है, 150-200 रुपये का माइक आपके लिए बहुत सही है। शुरुआती दौर में अगर मैं कहता हूँ सस्ता माइक अगर आप खरीदते हैं तो वो बेहतर है। आगे जैसे जैसे जिस तरीके से आपके पास इन्वेस्ट करने का अगर मन हो, विचार हो, तो आप कर सकते हैं। कल के रिव्यू मैंने बताया था, मैंने अभी नया सेटअप में अभी तैयार कर रहा हूँ, और इस नए सेटअप में मैंने अपना एक ट्राइपॉड कर लिया था। आज मेरा एक ये माइक आ चुका है जिसकी क्वालिटी आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी और अभी देख रहे हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो बाहर की जो नॉइस होती है वो डिडक्शन होती है, करती है। तो दोस्तों, नए यूट्यूबरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वह शुरुआती दौर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें, ज़्यादा पैसे खर्च ना करें। रूम सेटअप के लिए आप चाहें तो जुगाड़ लगा सकते हैं, भारत तो वैसे भी जुगाड़ की टेक्निक में सबसे आगे है, और हमारे भारतीय, हमारे युवा इस चीज़ में सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो छोटे छोटे गैजेट्स जो सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, उनकी क्वालिटी आप महसूस कर सकते हैं मेरे इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको आवाज़ में इम्प्रूवमेंट लगा है तो इस माइक का डिस्क्रिप्शन।